देखते ही देखते स्टार प्लस का शो अनुपमा टीवी का नंबर वन शो बन चुका है। हर हफ्ते यह शो टीआरपी में नंबर वन पोजीशन पर रहता है। इस शो में रूपाली गांगुली, मदालसा शर्मा, सुधांशु पांडे लीड रोल निभाते हुए नजर आते हैं। पिछले दिनों ये खबरें खूब चर्चाओं में थी कि रूपाली गांगुली और सुधांशु पांडे के बीच कोल्ड वार चल रही है, लेकिन दोनों ही एक्टर ने इन खबरों को सरासर गलत ठहराया था। इन दिनों स्टार प्लस का शो अनुपमा दर्शकों के दिलों पर राज कर रहा है। शो में जल्द एक नए किरदार की एंट्री होने वाली है जो अनुपमा के बचपन का दोस्त होगा। इसी के साथ ऐसी रिपोर्ट्स भी सामने आ रही हैं कि वनराज का रोल निभाने वाले एक्टर सुधांशु पांडे शो छोड़ रहे हैं, लेकिन इन खबरों पर अब शो के प्रोड्यूसर राजन शाही ने खुलासा किया है। राजन शाही ने सुधांशु पांडे के शो से एग्जिट होने की खबरों को गलत बताया है। इंडिया टुडे के साथ खास बातचीत में राजन शाही ने कहा, सुधांशु पांडे हमारे शो का अहम हिस्सा हैं। वे हमारे वनराज बने रहेंगे। जहां तक शो में नए किरदार की एंट्री की बात है, जल्द एक अहम किरदार शो से जुड़ेगा, लेकिन अभी तक किसी की कास्टिंग नहीं की गई है। राजन शाही ने आगे कहा, शो को इतना प्यार देने के लिए मैं दर्शकों का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। हम ऐसे ही लोगों का मनोरंजन करते रहेंगे। जब नए किरदार को फाइनल कर लिया जाएगा तो हम ऑफिशियल अनाउंसमेंट करेंगे। अनुपमा में नए किरदार की एंट्री को लेकर कई बड़े एक्ट्रेस के नाम सामने आए हैं। इनमें रोनित रॉय और शरद केलकर का नाम सबसे आगे था, लेकिन यह महज एक अफवाह ही थी। दोनों ही एक्ट्रेस ने अनुपमा शो से जुड़ने की खबरों को गलत बताया है। रोनित रॉय ने इस शो के लिए इसलिए ना कहा है क्योंकि वह अभी टीवी पर कोई भी प्रोजेक्ट नहीं करना चाहते हैं। वेल, आपको शो अनुपमा कैसा लगता है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।